कि यदि कोई नारी पूरे कुटुंब के साथ में रह रही है, देवरानी, जेठानी, सास, ससुर, नातेदार, रिश्तेदार सब आपके साथ में रह रहे हैं, सब कोई, और यदि कोई नारी एक परिवार में सबने जो भोजन करा है, बर्तन जो एकाग्रित हुए हैं, उसको भी अगर वो परिवार की सेवा में भी तत्परता में उसको साफ कर रही है, तो कितना सुंदर लिखा है भविष्य पुराण में कि अगला उस नारी का जब जन्म होता है तो वो सारे दरिद्र से दूर हो जाती है, सारे दरिद्र से दूर, धन वाली सेवा नहीं। एक सेवा थी धन वाली, जैसे आपके यहाँ कोई काम वाली आती है, ठीक है, आप उसको पैसा देते हो तब बर्तन साफ कर रहे हो, ठीक है, वो सेवा की बात नहीं चल रही। वो एक लेन देन वाली सेवा हुआ, क्या आपने कुछ दिया, उसने आपके यहाँ सेवा कर, वो सेवा एक अलग हो गई। जब घर में सास भी है, बहुएं भी हैं, देवरानी, जेठानी सब है, और उसमें जो आप सेवा करें महाराज, उसका भी पुण्य हमारे यहाँ भविष्य पुराण में लिखा है कि उसका भी फल है। चौरासी लाख योनियां मनुष्य को काटना है, कितनी योनियां, 84 लाख। गरुण पुराण में स्पष्ट किया गया 4th अंश में कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनी तो ये वृक्षों की होती है, काय की योनी है, ये पेड़, ये वृक्ष, 20 लाख योनी पेड़ों की, ये वृक्ष। ये तुम जो मनुष्य देह में अपन सब बैठे हैं, तो ये मत सोचना कि तुम्हारी योनी नहीं थी, पहले तुम भी पेड़ बन के पैदा हुए। 84 लाख योनी में 20 लाख योनी वृक्ष की है, कांटेदार पौधे बने, आम का पेड़ बने, लोगों ने पत्तियां तोड़ी, तोड़ी तो रोए, बिलखे, फल लगे, पत्थर मारे लोगों ने, और पत्थर मार मार के झड़ाया, वो वृक्ष की योनी में, पानी में, बरसात में, धूप में खड़े रहे, बिलखते रहे, नैनों से आंसू बहते रहे, जड़ की तरह स्थिर होकर खड़े हुए हैं। पौधा बन गए, फूल लग गए, फूलों को रोज कोई ना कोई नोच के ले गया, कितना कष्ट हुआ है, कितना दर्द हुआ है। 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनी वृक्ष और पौधे की है, बीस लाख योनी जलचर की है, पानी में जो कई जम जाती है, कई उस कई में जो कीड़े पड़ जाते हैं उसकी योनी 20 लाख। अलग अलग वेराइटी के कीड़े बने, कोई नहाने आया पांव रखाया मां मर गए, कोई कपड़े धोया मां मर गए, कोई ने झाड़ू लगाई फिनाइल डाला वहां मर गए, 20 लाख योनी इसकी है। तुम अपन सोचें कि बताओ ऐसी भी योनी होती है, 84 लाख योनियां काटते 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 तब जाकर ये मनुष्य की देह मिली है, तब मिली, आखिरी में मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, और 84 लाख योनियां काटने पर जो मानव की देह मिली वो केवल दो ही कारण है, एक भगवान का भजन करो और दूसरा कर्म का भोग भोगो, जो पूर्व में करके आए हो उसको भोग लीजिए। माता श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कितने लड़के देखे तुम्हारे लिए, अरे बोलो तो जरा जम के, कितने देखे, पर तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था, अरे बोलो तो सरी, और इनके लिए भी कितनी लड़कियां देखी साहब, हर रिश्तेदार से बोल के रखा, पत्रिका में देखा, इसमें देखा, उसमें देखा, कितने संबंध देखे, पर इनकी किस्मत में यही जगदम्बा लिखी थी,
बोलो सही है कि गलत है? कितने देखे, करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं, हजारों रिश्तेदार हैं, ना जाने कितने इस बसई में, तुम्हारे गांव में, नगर में, ना जाने कितने होंगे, पर तुम्हारी किस्मत में हजारों करोड़ों को छोड़कर यही क्यों लिखा था? और तुम्हारी किस्मत में करोड़ों लोगों को छोड़कर यही जगदम्बा क्यों लिखी थी? कारण? अरे बोलो तो, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, एक जन्म में बदला पूरा नहीं होगा तो लेंगे जन्म दोबारा। ये जो आप शब्द कहते हैं, ताने देते हैं, कहीं पति आपको कुछ कह देता है, कहीं पत्नी आपको कुछ कह देती है, ताने देते हैं, उसका केवल एक कारण है कि जो पूर्व में संग हुआ है, कहीं आपने इनका कुछ बिगाड़ा, कहीं इन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा, तो आज वो महाराज जब भी बोलती है, ऐसा बोलती है कि मेरे दिल को कछोड़ जाता है। मैंने तो इतना करता है कि मैं मर जाऊं। मैंने कहा भैया मर जाएगा, दूसरी बार फिर पैदा हो के सिखा, इससे अच्छा भोग ले, भोग ले। कई कई माताएं कहती है इतना आड़ा टेढ़ा बोलते, गुरुजी मेरा तो मन करे मेरे को रहना ही नहीं इनके साथ। मैंने कहा जी जी रहना तो पड़ेगा, पहले तो मर भी जाएगी, अगला जन्म लेगी, फिर भोगना पड़ेगा, फिर यही भेरू मिलेगा, इसलिए अब की बार अच्छे से भोग ले। संबंध क्यों? मनुष्य का शरीर मिला है, जीवन मिला है, मानव की देह मिली है, और ये शरीर, ये देह भगवत भजन के लिए और भोगने के लिए मिली है। इसलिए फिर निवेदन करूंगा, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं, तू बच नहीं। एक दुकान पर सामान खरीदने जाओ तो लिखा होता है कैमरे की निगाह में, भगवान कहते हैं मैंने जब तुझे माँ के गर्भ में भेजा था, उस दिन से लेकर तू मरेगा तब तक मेरी निगाह में रहेगा, तब तक तू मेरी निगाह में। कितना भजन कर रहा है, कितना स्मरण कर रहा है, कितना कीर्तन कर रहा है, कितनी श्वासें तूने भजन में लगाई है और कितनी श्वासें तूने भोग और विलास में लगाई है, ये उसको ज्ञात है। एक बच्चे को 20 रुपए देकर माँ ने भेजा, जा बाजार से एक साबुन लिया, कपड़े धोने का 5 रुपए का, 5 रुपए का नहाने का, हाउ मच? बच्चा गया कपड़े धोने और नहाने का साबुन लेकर आया, माँ ने कहा ला पैसे वापिस दे। हिसाब लिया कि नहीं लिया? अरे बोलो तो, लिया ना। अपने बच्चों से 10 रुपए का हिसाब ले सकते हैं, तो ध्यान रखना वो भी जगत का बाप है, तुम्हारे जाते से एक एक श्वास का हिसाब लेगा कि कहाँ गवा दी, कहाँ गवाई, बचपन कहाँ गया, जवानी कहाँ गई, अधेड़ी कहाँ गई, बुढ़ापा कहाँ गया, किस जगह पर इन श्वासों को गवाया है आपने, किस जगह पर? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 21,600 श्वास जो निकल रही है इस शरीर से प्रतिदिन, श्री शिवाय एक एक श्वास का हिसाब लेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। खैर आपका तो कुछ नहीं बिगड़ना है, क्योंकि आप तो कह दोगे कि हमारे यहाँ कथा हुई थी, तुमने कथा सुनी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो तुम तो बच गई, पर दिक्कत तो उसकी है नी, तेरा क्या होगा रे कालिया, दिक्कत तो वहाँ पड़ी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तुम्हारा तो ठीक है जो हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
नमस्तुभ्यम। इसलिए निवेदन है, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, ओ महलों में राखे चाहे झोपड़ी का वास, ये उसके हाथ में। चित्त वृत्ति परमात्मा को दिए हर पल हर घड़ी। महाराज भगवान से मांगना तो भक्ति मांगना, माया के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि भगवान अगर भक्ति दे देगा तो माया पति जब हमारे पीछे चलेगा तो माया भी उनके पीछे चलेगा। माया पति अगर हमारे पीछे चल रहे हैं तो माया भी हमारे पीछे पीछे चलने वाली। अगर आपने भक्ति मांगी है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और यदि भक्ति नहीं मांगी, माया के चक्कर में पड़ गए, तो फिर वो आपके यहाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर वो आपका ब्रह्म श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आपका श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर की पावन कथा कह रही है। कल अपन ने कथा में श्रवण किया था कि भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आनंद कंद परमात्मा श्री शिव भक्ति का रस तत्व ग्रहण करने वाले भगवान शिव का मंगल विवाह हुआ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और मंगल विवाह की ओर जब अग्रण्य हुए, माता पार्वती जी का जन्म, माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती प्रकट हुई है, और माता पार्वती का जो प्रागट्य हुआ है, जन्म हुआ है हिमालय राज के घर में, मीनावती के गोद में उनके गर्भ से। कथा के प्रथम में कहा था मीना, धन्या और कला, ये पितरों की तीन बेटियां, बस इन्होंने जिंदगी में एक गलती कर दी। पितृ लोक में रहने वाली इन पितरों की बेटियों ने एक गलती करी थी कि सनत कुमार बैठ कर तप कर रहे थे, संकाद ऋषि बैठ कर भगवत भजन कर रहे थे, और वहीं से ये मीना, धन्या और कला तीनों निकल कर गई। जब पहले मीना निकल कर गई, उसके लहंगे से सनत कुमार की जंघा में चोट लग गई। फिर धन्या निकल कर गई, उनके लहंगे से चोट लगी। कला निकल कर गई, उनके लहंगे से चोट लगी। बहुत सुंदर बात है महाराज, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यदि आपको आगे बैठने का शोक है तो निवेदन है पहले जाकर बैठिए। कब बैठिए? प्रथम। निवेदन है पहले जाकर बैठिए। कब बैठिए? प्रथम में। बाद में आओ, पहले बैठो, किसी के चरण में चोट ना लगे, किसी को अपना पांव ना लगे, किसी को अपनी लात ना लगे। क्यों? शिव महापुराण कथा कहती है, श्रीमद् भागवत कथा में भी वर्णन किया वेदव्यास जी ने, कि जब किसी पंडाल के अंदर जितने भी भगत वैष्णव जीव संत जन आनंदमय परमात्मा की कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं, भगवान की कथा को जब कोई श्रवण करने बैठता है तो वो केवल मनुष्य नहीं होता, 33 कोटि देवता उस कथा को सुनने के लिए बैठते हैं और उनके रूप में विराजमान होते हैं। तो हम आए और हमारे चरण किसी को लगे, हमारा पांव किसी को लगे, हमारे कहीं चोट किसी को लगे, तो उसका दुख, उसका कष्ट हमको भोगना पड़ता है, जैसे मीना, धन्या और कला को भोगना पड़ रहा। श्री शिवाय नमस्तु। पितृलोक में रहने वाली पितरों की तीन बेटियां थी, कितनी विद्वान है, वैसे देखा जाए तो पितरों की चार बेटियां थी, एक भाई की तीन और एक भाई की एक। ये मीना, धन्या, कला एक थी और पीवरी एक थी। कौन पीवरी? जिसका विवाह श्री सुखदेव जी महाराज के साथ में हुआ, जिन्होंने भागवत बातचीत। श्री सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी का नाम था पीवरी, पितरों की बेटी थी वो भी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मीना निकल कर गई, फिर धन्या निकल कर गई, फिर कला निकल कर गई, उनके चरण की चोट, उनके चरण का प्रहार,
उनके लहंगे का वस्त्र का चोट सनत कुमार की जंघा पर लग गया। इतने में एक चोट तो सहन कर ले व्यक्ति, अगर कोई का एक का पांव लगे तो चल जाए, पर जो निकले ने पांव मारता मारता जाए तो अच्छा लगे क्या? श्री शिव नमस्तुभ्यम। श्रेष्ठ कहा? श्री शिव नमस्तुभ्यम। हमारे यहाँ कितना सुंदर कहा गया, भीष्म गीता में स्पष्ट कहा गया कि चार तरह का भोजन बेकार होता है। श्री शिव नमस्तुभ्यम। भीष्म गीता में कहते हैं चार तरह का भोजन बेकार होता है। पहले नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले गया फिर वही चोट लगने वाली बात है। जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले गया वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई वो भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के बराबर। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो वो दरिद्रता प्रदान करता है महाराज। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों,